नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक भारी गिरावट देखने को मिला है, तो अभी ऐसा सिचुएशन पे ये स्टॉक का जो अभी स्टॉक जिस हिसाब से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, कौन सा लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है, इसका सपोर्ट क्या रह सकता है, और ये स्टॉक में हमें कौन सा लेवल पर बाय करना चाहिए, और इस स्टॉक में अगर किसी का पोजिशन है तो उनको आगे के लिए क्या करके चलना चाहिए, वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उस बेस पर आप उस स्टॉक का डिसीजन जरूर ले सकते हैं एनालिसिस करके। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक मार्केट में ये जो करेक्शन है, करेक्शन आता रहेगा, लेकिन इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है आपका पोर्टफोलियो में फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक्स होना चाहिए। ऐसा कोई गलत स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में गलत स्टॉक है इस टाइम पे, तो आपको इमिडिएटली स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी का टाइम पे मार्केट में बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक आपको करेक्शन पे मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक करेक्शन पे मिल रहा है, वो स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेना चाहिए, क्योंकि अगर सही टाइम पे, अगर सही स्टॉक को अगर अपना पोर्टफोलियो में लेंगे तो आपको बढ़िया सा गेन मिल सकता है। फ्रेंड्स देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे कैपलिन पॉइंट के बारे में, ठीक 2 महीने पहले मैंने बताया था। 2 महीने के बाद में उसका जो टारगेट प्राइस हमने बात किया था, वो टारगेट भी अचीव किया, उसके बाद में स्टॉक फिर नीचे आ गया। ठीक है, अभी अगर बात करेंगे यहाँ पे, मैंने और एक देन कंपनी के बारे में भी मैंने बताया था, यहाँ पे कहीं पे वीडियो है, यहाँ पे देन कंपनी के बारे में मैंने कहा था सबको कि ये फंडामेंटली ये स्टॉक अभी ऊपर जाना ही है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रमोटर जहाँ पे बहुत बढ़िया सा सब पॉजिटिव डाटा वहाँ पे देखने को मिला था, उसी हिसाब से मैंने बताया था ये स्टॉक बढ़िया सा स्टॉक है, अपना पोर्टफोलियो में बढ़िया सा गेन देके चल सकता है आगे के लिए। तो उस टाइम पे बहुत पैनिक हो रहा था मार्केट में कि सेल करके हम निकल जाएं क्या, हमारा पोर्टफोलियो में इसको बाय नहीं कर सकते हैं क्या, ऐसा सारा बात हो रहा था। तो ये सारी चीज़ के लिए आपको फंडामेंटली एक बार स्टॉक सही है कि सही नहीं है वो चीज़ चेक करना चाहिए, उसी हिसाब से आपको स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, ये कोई मेरा बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले आपका खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। ठीक है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह करके आप कोई भी स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में ले सकते हैं फ्रेंड्स, या बाय या सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी आपको डाउट है, आप अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले में नंबर दिख रहा है, तो ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में, तो इसमें मैंने बताया था, क्या बताया था मैं पहले बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये स्टॉक में मैंने जब वहाँ पे उस टाइम पे एनालिसिस किया था, उस टाइम पे कुछ दिन पहले मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था, जो नया व्यूअर होंगे, जो सॉरी जो पुराना व्यूअर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको ज़रूर पता है, मैंने उस टाइम पे बताया था कि ये स्टॉक को हमें अपना पोर्टफोलियो में कौन सा टारगेट लेके जाना चाहिए। पूरा क्लियरली स्टॉक में पता चल रहा था, कुछ भी हो टेक्निकली को तो सपोर्ट करता ही है स्टॉक मार्केट में, अगर आप देखेंगे बढ़िया सा स्टॉक है टेक्निकली जरूर सपोर्ट करता है। यहाँ पे पूरा क्लियरली इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, क्लियरली इंडिकेशन दे रहा था, मैंने अपना पोर्टफोलियो में लिया था भी, और उसी हिसाब से मैंने टारगेट के लिए अपना पोर्टफोलियो में जब लिया था उस टाइम पे टारगेट तक का रखा था, और उस टाइम पे मैंने बताया भी था कि ये टारगेट पे हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग किया था, जो कि 1090 के पास में। ठीक है, अगर कोई पुराना वीडियो होगा तो आप जाके जरूर देख सकते हैं मेरा चैनल पे, यहाँ पे मैंने बताया था, तो उसी हिसाब से मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी किया था। काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पे पैनिक कर रहे थे कि नहीं, यहाँ पे सॉरी वहाँ पे फोमो में थे कि बहुत सारा जगह में इसका ऐसा बात चल रहा है कि स्टॉक 2000 तक जाएगा, 3000 तक जाएगा, जिस हिसाब से मोमेंटम में स्टॉक भाग रहा है। तो ऐसा नहीं करना होता है फ्रेंड्स, जब भी कोई स्टॉक को हम टेक्निकली बाई करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, अपना टारगेट जब आ जाता है उस टाइम पे हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा अगर फोमो का चक्कर में हम रहेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान भी हमें हो सकता है। हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमें इमीडिएटली वो स्टॉक में से निकल जाना चाहिए, फोमो का चक्कर में कभी भी नहीं रहना होता है। अगर स्टॉक हमने बाय किया है, हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तब तक हमें होल्ड करना चाहिए स्टॉक। अगर 10% नीचे भी आ जाए, 15% नीचे भी आ जाए, तब तक हमें होल्ड करना चाहिए। उस चीज़ के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट, आप सीख समझ के अगर करेंगे तो आपको नुकसान ज़रूर नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम नुकसान होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में स्टॉक फिर नीचे आता गया। ठीक है, और आप बोलेंगे कि क्या फंडामेंटली वीक स्टॉक है, बिल्कुल भी नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस एक बार कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी अभी भी 46 पे है, स्टॉक का पी चल रहा है,
अगर आरओसी की बात करेंगे, यहाँ पे 19% आरओसी है, प्रमोटर प्लेज ओनली 0.66% का है। अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 63% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, और कंपनी का ऊपर डेट भी है, 0.21% का डेट है, जो कि लो डेट कंपनी है। अगर हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 1138 ऑल टाइम हाई है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 825 पे, स्टॉक में ऑलमोस्ट 27% का करेक्शन आ चुका है, और एक लो डेट कंपनी है, आरओसी बेहतरीन है। तो इसी हिसाब से अगर हम प्रॉफिट बात करेंगे, तो ये एक एफएमसीजी कंपनी है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पे दिसंबर 2021 को अगर देखते हैं, यहाँ पे जो सेल्स हुआ है 3300 करोड़ का सेल्स हुआ है। अगर हम 2020 के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 3055 करोड़ का सेल्स देखने को मिला था। सेल्स में तो बहुत बढ़िया से इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है, जो कि 8% का सेल्स में इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 502 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2020 को, ईयर ऑन ईयर की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे 528 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में 5% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के भी बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को नज़र आ रहा है। अगर लास्ट 4 क्वार्टर के भी बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि 12,091 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। अगर लास्ट 4 क्वार्टर के अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में, तो यहाँ पे 1786 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, यहाँ पे रिजर्व तो हमेशा ग्रोइंग नज़र आ रहा है, रिजर्व में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 7796 करोड़ का है, उसके बाद में फिर 9300 करोड़ का है, उसके बाद में 10300 करोड़ का है, मतलब रिजर्व में इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। अगर बोरोइंग की बात करेंगे, बोरोइंग यहाँ पे था 3500 करोड़, उसके बाद में 1864 करोड़ का बोरोइंग देखने को मिला, उसके बाद में 2224 करोड़ का बोरोइंग देखने को मिला है। लो डेट बोरो है, मतलब ये है। अगर हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा रिटेल इन्वेस्टर के पास में ओनली 6% का होल्डिंग है। ये एक मल्टी वैगर स्टॉक है, उसमें हमारा होल्डिंग बहुत कम है, 6.13% का होल्डिंग है। अगर हम प्रमोटर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 63% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। यहाँ पे एफआई के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे 25.6% का होल्डिंग है। डीआई का होल्डिंग 5% का होल्डिंग है। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 3% का गिरावट देखने को मिला था, 3.3% का, जो कि 28 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला था। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम क्वांटिटी डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 18,53,000 क्वांटिटी यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि ट्रेडिंग में। अगर डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 12,36,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला था, जो कि 66% का डिलीवरी है। एक बहुत बढ़िया शानदार डिलीवरी देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, ये स्टॉक मार्केट में करेक्शन तो जरूर होगा ही। फंडामेंटली कितना भी अच्छा स्टॉक हो जाए, वो उसका सेक्टर का इंडेक्स के साथ में परफॉर्म जरूर ऐसे करेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए उसका सेक्टर का इंडेक्स एक बार जरूर देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी के बारे में, यहाँ पे देखिए निफ्टी एफएमसीजी में देखिए, यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। कितना परसेंटेज का करेक्शन हो चुका है यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी में, यहाँ पे 12% का करेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कितना परसेंटेज का करेक्शन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ये स्टॉक में ये करेक्शन हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ पे 27% का करेक्शन हो चुका है। अगर आगे के लिए बात करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट कौन सा लेवल तक स्टॉक गिर सकता है फ्रेंड्स, अगर इसी हिसाब से देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, ये स्टॉक में अगर स्टॉक यहाँ से एक मेजर करेक्शन आता है, अगर फॉल होता है, तो स्टॉक ये लेवल तक जरूर आ सकता है, जो कि 700 का लेवल है। 700 का लेवल तक का अगर हम बात करेंगे, यहाँ से कितना परसेंट का गिरावट हो सकता है, यहाँ से लेके एक 15% का गिरावट हो सकता है, अगर मेजर मेजर अगर गिरावट देखने को मिला मार्केट में। तो अगर हम पहला सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, पहला सपोर्ट स्टॉक यहाँ पे पहले जरूर सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे जो कि 808 का लेवल तक भी स्टॉक अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लेता है, तो फिर ठीक है। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, तो यहाँ तक गिर सकता है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक जरूर इंतजार करना चाहिए, जो कि 700 का लेवल तक। अगर आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं, तो भी आप बाई करके चल सकते हैं। लेकिन कोई भी बाई करेंगे, आप अपना फाइनेंशियली एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिए। आप अपना एडवाइजर से ज़रूर पूछ के आपने बाई या सेलिंग करना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं जैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि इमीडिएटली आपको स्टॉक को सेल करना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए फ्रेंड्स। अगर हम टारगेट की बात करेंगे, अगर यहाँ से हम बाय करके चलते हैं,
अगर टारगेट के बारे में बात करेंगे तो कौन सा टारगेट अचीव हो सकता है? ये जो जो टारगेट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे 1131 टारगेट तक आप जरूर स्टॉक को लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक का टारगेट लेके चलते हैं 1130 तक, आपको 39% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से बाय करेंगे नीचे का लेवल तक, अगर आप इंतजार करते हैं कंजर्वेटिव आप मोड में अगर रहते हैं, यहाँ तक इंतजार करते हैं, अगर स्टॉक वहाँ तक आता है तो फिर 60% का गेन आपको मिल सकता है। अगर आप ऐसा भी बुक कर सकते हैं, यहाँ से कुछ क्वांटिटी बाई करके चलेंगे, अगर यहाँ तक आता है फिर और थोड़ा सा क्वांटिटी बाई कर लेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आप भी कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे स्टॉक फॉल होने की वजह क्या है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि स्टॉक यहाँ तक फॉल होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, कुछ भी है यहाँ पे प्रेडिक्ट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम के साथ में स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज को लेकिन तोड़ चुका है स्टॉक, यहाँ पे कुछ दिन तक कंसोलिडेशन जरूर रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम बात करेंगे टारगेट के बारे में, ये तो हमने टारगेट की बात कर लिया टेक्निकल के हिसाब से। अगर हम ब्रोकर हाउस हाउस की टारगेट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि यस सिक्योरिटी का, देखिए यहाँ पे यस सिक्योरिटी का यहाँ पे टारगेट था जो कि 985 का टारगेट उन्होंने दे के चला था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मोतीलाल ओसवाल हाउसिंग यहाँ पे जो है, सॉरी मोतीलाल ओसवाल का अगर टारगेट आप देखेंगे तो यहाँ पे 1150, ठीक है, यहाँ पे 1150 का टारगेट उनका भी है। अगर 1150 तक की बात करेंगे तो हम तो वही लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से भी अपना स्टडी करके ज़रूर अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आप स्टॉक बाय करेंगे तो आप खुद का एनालिसिस के बेस पर बाय कीजिए, या तो फिर आपका एडवाइजर से बात करके आप ज़रूर कोई भी स्टॉक को कंसिडर करेंगे। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके पास में है फंडामेंटली वीक स्टॉक है तो उसको इमीडिएटली आप सेल करके फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक को आपका पोर्टफोलियो में जरूर लेना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जिस हिसाब से अभी क्वालिटी स्टॉक्स नीचे गिर मतलब नीचे पड़ा हुआ है, तो वो स्टॉक को अगर अपना पोर्टफोलियो में लेंगे, हो सकता है आपका गलत स्टॉक वहाँ पर रिकवरी ना आए, लेकिन ये स्टॉक जरूर रिकवरी आएगा। बहुत सारा स्टॉक है, बहुत सारा ऐसा स्टॉक है जो कि 100% गेन देने का दम रखता है आपको मार्केट से, ठीक है। जरूर वो मार्केट के साथ में रिकवरी होगा, लेकिन आप गलत स्टॉक को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं तो फिर आप फंस सकते हैं, ठीक है। जरूर अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप पर्सनली मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले में दिख रहा है, तो इस हिसाब से आप मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।